कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? सेकंड का फिफ्थ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? रिकॉग्नाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। रिकॉग्नाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो देखो, अब समझते हैं, बैठ जाइए। तो चलिए, मतलब ये जो रूट है इसको क्या करिए, हटाइए। तो ठीक है, हम कैसे हटाते हैं? तो हमने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम ये सेम नंबर लेके हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? अगर यहाँ पे प्लस है तो किससे? माइनस से। जब हमने डिनोमिनेटर में करा तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करवाते हैं। इतना समझ में आया? ओके, फिर क्या करेंगे, माइनस का 5, 3√2। ठीक, अब देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी। ये क्या है, ए, ये बी। तो देखो बेटा, ये सेम ना हो गया, ऐसे ही तो हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा, माइनस 3√2 का स्क्वायर। दैट्स क्लियर? ओके, फिर हम इसको सेम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई कराना। तो लिखे दे रहे हैं 5 × 5। ओके, अब देखो इसमें क्या, इसमें भी स्क्वायर है, 3√2 × 3√2 पूरे का करेंगे। ठीक है, ये मत करना कि पहले 3 का करा लो फिर रूट टू, वो भी सही हो जाएगा, लेकिन हम क्या है, साथ में पूरे का लिख रहे हैं। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 5 − 3√2। इतना समझ में आया? फिर थोड़ा सा करिएगा, 25 − फिर मैंने आप लोग को ये सिखाया था, क्या बताया था कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए करवाते हैं तो क्या बचता है, ए। रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू क्या बचता है, टू। अगर रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री तो क्या होता है, थ्री। तो ये बात मतलब समझिए कि अगर सेम हो यहाँ पे तो क्या होता है, एक बाहर निकल आता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, थ्री थ्री जा 9। ओके, फिर रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू क्या बचेगा, टू ना। ओके, समझ में आ गया, फिर 2√2, फिर 25 इक्वल 5 − 2 और 15 × 3 जाए कितना आएगा, 7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी को समझ में ना आया हो, नहीं समझ में आया पूछ लो, हम दोबारा समझा देंगे। कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ, स्टैंड अप, कहाँ पे नहीं समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाएंगे, चलिए आइए। हमने 5 नंबर बताया, आपने 6 नंबर।